स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही 20 साल का लंबा लीप आने वाला है, जिसके साथ कहानी नए किरदारों के साथ आगे बढ़ती नजर आएगी। कहा जा रहा है कि लीप से पहले कई बड़े किरदारों की शो में मौत हो जाएगी, जिसमें आरोही और अभिमन्यु के किरदारों का नाम सबसे पहले सबसे आगे है। लेकिन लीप के नए ट्रैक से पहले जनता ये जानना चाह रही है कि आखिर अभिमन्यु का अंत शो में कैसे होगा। अब तक खबरों में तो यही बताया जा रहा है कि अभिमन्यु की मौत कार एक्सीडेंट के दर्दनाक हादसे के साथ शो से हो जाएगी, लेकिन अब अभिमन्यु के अंतिम ट्रैक पर बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि कार एक्सीडेंट नहीं बल्कि अभिमन्यु का मर्डर होगा। जी हाँ, टेली चक्कर की रिपोर्ट की माने तो मंजरी की सच्चाई जानने के बाद अभिमन्यु बुरी तरह से टूट जाएगा। वो मेंटली स्ट्रेस का सामना करेगा। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि तनाव से अभिमन्यु के उबरने के लिए गोयनका परिवार उसे एक मेडिटेशन सेंटर ले जाएगा और यहीं पर होगा अभिमन्यु पर हमला। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यहां पर अज्ञात लोग अभिमन्यु की हत्या कर देंगे और इस तरह से शो से अभिमन्यु के किरदार को खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि खबरें हैं कि आरोही की बेटी रूही अक्षरा और उसके अजन्मे बच्चे से नफरत करेगी, यानी कि अबीरा से, क्योंकि उसे लगेगा कि अक्षरा और उसके इस बच्चे के कारण ही उसने अपनी माँ आरोही को खोया और अभिमन्यु को भी। साफ है कि मेकर्स ने लीप से पहले शो के ट्रैक को काफी दर्दनाक प्लान किया है, जो जाते जाते फैंस को काफी ज्यादा इमोशनल कर देगा। हालांकि अब देखना तो ये है कि आखिर लीप के बाद जनता नए ट्रैक नए किरदारों को कितना पसंद करेगी और क्या चौथा जनरेशन लीप के लाने का फैसला भी सही साबित होगा और हिट होगा। आपकी क्या ओपिनियन है फोर्थ जनरेशन लीप को लेकर, शेयर कीजिए हमारे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में।